दो। हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, दो सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से दो जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। इंसान की जिंदगी से खेलना मुझे बहुत पसंद है। हर वक्त में, हर काल में मैं खेलता रहता हूँ। इस खेल में मुझसे कोई जीत नहीं सकता, वो चाहे भगवान हो या कोई साधारण इंसान हो, मुझसे जीतना नामुमकिन है। लोग तो बिजली गिरने से भी मरते हैं और सेल्फी लेते वक्त भी मरते हैं। 6 बॉल पर 6 सिक्सर मारने वाला भी प्लेयर होता है और पहले बॉल पर आउट होने वाला भी, ऑल आउट होकर हारने वाले भी होते हैं। इस तरह से इंसान की जीत हार सुख दुख इन सब का फैसला करने वाला कौन है? वो बस मैं हूँ। मैं तुम सबकी तकदीर बोल रहा हूँ। मेरा नाम सुनते ही तुम लोगों को मेरे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होगा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में मैं बहुत सारी तकलीफें देता रहता हूँ, लेकिन वो तकलीफें नहीं, जिंदगी जीने का तरीका है। अब मैं यहाँ भी एक इंसान की जिंदगी से खेलने वाला हूँ। इस एक्सीडेंट के जरिए मैं एक इंसान की जिंदगी बदल के रखने वाला हूँ, और मेरा खेलने वाला मैदान है श्री रंगम। मैंने जिस इंसान को चुना है वो यही है। इसका नाम है सभापति। सभापति एक मासूम इंसान है, बहुत ही अच्छा है, इसलिए बचपन से ही उसकी जिंदगी से खेलना मैंने शुरू कर दिया। जय गणेश जी। सभापति, ये लो, इसे हाथ में पकड़ो और गणेश जी का चक्कर लगाओ। ये तुम बच्चे के हाथ में क्यों दे रही हो? आप चुप रहिए, जाओ बेटा घूम कर आओ। श्रीरंगम में आई हुई नई लड़की सावित्री को मैंने सभापति से मिलवाया। उसी समय सभापति के परिवार का पैसा भी मैंने चोरी करवाया। ए रुक, ए कहां गए? पैसे कहां है? अरे रे, ए कहां है पैसे? मैंने इसके हाथ में देने से तुम्हें मना किया था ना, 5000 रुपए घुमा कर आ गया। सभापति के घर के सामने मैं सावित्री को लेकर आया। सभापति के साथ मैंने सावित्री को पढ़ने के लिए भेज दिया। सर नमस्ते। सर नमस्ते। सर मैं गवर्नमेंट जॉब में काम करता हूँ। बैठ जाओ। सामने वाले घर में नया आया हूँ, चाहता हूँ मेरी बच्ची को आप पढ़ाएं। अच्छा बेटी, आपका नाम क्या है? सावित्री सर। ठीक है, बैठ जाओ। सर हर रोज 1 घंटा ट्यूशन दी जाएगी। ठीक है। महीने की फीस 80 रुपए है। तुम्हारा नाम क्या है? सावी। तुम्हारा नाम क्या है? सभापति। ए इसको देखना, यह हमेशा इस लड़की के साथ ही घूमता रहता है। ए रुक 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 रुक। ए तेरा नाम सभापति है ना? अपना नाम बोल के बता। बोल बोल, बिना अकलाए बोलना एक बार। अरे बोल सभापति, बोल बोल सभापति, बोल। सभापति को अगर तकलीफें देने वाला मैं हूँ, तो उसकी मदद के लिए सावी नाम की लड़की से उससे मिलवाने वाला भी मैं ही हूँ। तुम लोग क्यों उसका मजाक उड़ाते हो? जाओ यहाँ से। अरे क्या सभापति, आजकल तेरा शर्माना और प्रार्थना करना कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। सभापति को उसकी शिवगामी मिल गई क्या? प्यार का इजहार कब करेगा? सही है, सही जा रहा है तू। आज से ठीक 5वें दिन रात को 12:12 पर सभापति की जिंदगी में घुसकर एक बहुत बड़ा खेल खेलने वाला हूँ मैं। काउंटडाउन स्टार्ट्स।
ताजे 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 गोभी फ्लावर, ताजे टमाटर, ताजे करेला, ताजे ताजे सब्जी ले लो, ताजे भाई साहब यहाँ पर गोभी क्या कुंदरू चाहिए। गोपाल की दुकान कौन सी है? यही गोपाल की दुकान है और मैं ही गोपाल हूँ। क्या चाहिए आपको? मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप बासी सब्जियों पर पानी छिड़क के बेच रहे हो ना? माँ ने सिर्फ आपकी दुकान से सब्जी नहीं लेनी ऐसा कहकर भेजा है, इसलिए टमाटर ताजे गोभी ताजे। क्या है ये? पापलेट है। ये तो उठाते ही टूट जाएगा। तुम्हारा नाम क्या है? राम्या। रम्या? ये चमचा हाथ में लेकर सेल्फी खींचना, फिर सेल्फी को सोशल साइट्स में डाल देना, उसके बाद धंधा मस्त बढ़ेगा। इस चमचे से ही मारूंगी, चल जा। तुम्हारे भले के लिए बोल रहा था। चल जा रे कॉमेडी। ओहो, तो इसी को बोलते हैं पानी में तैरना। पानी की महफिल। नमस्ते चाचा। नमस्ते भैया। भैया आपको सुबह सुबह ये सैनिटाइजर कहाँ से मिल गया? अपने लकी राजा ने प्रचार में दिया है। ओहो, अभी वो कहाँ पर मिलेंगे? वो प्रचार में ही कहीं होंगे बेटा। मेरी प्यारी जनता, आप चाहे किसी को भी वोट करना, पर वोट करना। कोई बात नहीं, हम जरूर वोट देंगे। आपका चिन्ह लड्डू जी, आपका चिन्ह लड्डू जी, आपका चिन्ह लड्डू जी, आपका चिन्ह लड्डू जी। सेल्वम, अपना प्रचार कैसा चल रहा है? सब कुछ सही से चल रहा है भाई। जितने लोग भी आ रहे हैं ना, उन सबको बिरयानी के डब्बे में 2,000 रुपए और एक शराब की बोतल डाल के दे रहे हैं भाई। इस बार हम ही जीतेंगे भाई। एक आदमी जाएगा तो एक क्वार्टर मिलेगा। ठीक है भैया। दो आदमी जाएंगे तो 3 क्वार्टर मिलेगा। दो लोग जाएंगे तो 3 क्वार्टर? हाँ। ये तो बहुत सही है बाबा। किसको बुलाऊं? अगर वीनू को बुलाऊंगा तो वो अपने साथ 7 आदमी लेकर आएगा। नहीं, पूरा मामला बिगड़ जाएगा। वो नारायण 4 क्वार्टर पिएगा और पीने के बाद मुझे मारेगा। इस जमाने में कोई भला आदमी है ही नहीं। किसी पे भरोसा नहीं हो रहा है मुझे। क्या करूं मैं? हाँ, अरे हाँ, अपना सभापति मिल गई 3 क्वार्टर मुझे। अभी कॉल करता हूँ। मेरे भाई सभापति। हाँ, बोल रहे। यार तेरे से मिलने का मन कर रहा है। नाटक मत कर, कहाँ है? हमारे लकी राजा जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुझे क्यों यहाँ पर लेके आया? अरे रुक जा, मैं बताता हूँ। वेट कर। जिंदाबाद। क्या करने वाला था? पब्लिक है यहाँ पर। ये लोग लाखों रुपए खर्च करके राजनीति में आने का सोच रहे हैं और तूने एक छींक मार के इनका सब कुछ खत्म कर दिया यार। अरे बाप रे, वो इधर ही देख रहा है। देखता हूँ, देखता हूँ भाई। सुनो भाई, ये जरा मुझे दो, मुझे दो। जल्दी से माइक पे बोल दे, लकी राजा जिंदाबाद बोल। कैसे मैं फटाक से बोल दूँ यार? तूने भी फटाक से छीका ना। अरे बाप रे, वो रॉकेट जैसे यहाँ पे आ रहा। बोल दे, बोल दे। हमारे भविष्य का सीएम लकी राजा जिंदाबाद, 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 लकी राजा। उसे जो चाहिए देकर भेज दो। ये तो मुझे उल्टी करने वाला हूँ। कौन सी पहले पीऊँ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बीवी तू है, मेरी जाने मन तू है, मेरी हाथ हटा के गिरा मत देना यार इसे। रुजा मैं एक सजेस्ट करता हूँ। तू करेगा? अपना हाथ दे। कितना पिंकी फादर हैज ये डॉन के डाई फादर क्राई। ये गिरा तो इन दोनों में से कोई एक है। हिंगी पिंकी पॉन्ग। तू सेलेक्ट मत कर, तूने मुझे सेलेक्ट किया है ना। जल्दी से इसमें पानी मिला, चल। स्वाहा डिलीवर टू स्वाहा। पानी मिला ये, स्वाहा। ये पानी डालने को नहीं बोला। अरे ये कावेरी का पानी है रे। ये नाले का पानी है रे। कावेरी भगवान है, हम सबने मिलके इस पानी को गंदा किया है। तू शांति से पी नहीं सकता क्या? इसमें पानी मिला है ना, ये क्या पानी में? अब बस यही बचा है, इसमें मैं पानी मिलाऊंगा और पीऊंगा। एक आदमी को और ले जाऊंगा, 2 क्वार्टर मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा। सुन, तू एक जवान आदमी है, तुझे पीना चाहिए, सुट्टा मारना चाहिए, एटलीस्ट 5 सुपारी तो खाना ही चाहिए। तेरे में कोई गंदी आदत नहीं है क्या? अरे मैं तेरे साथ आ गया तो इससे गंदा क्या हो सकता है, बोल। हाँ, कुछ नहीं हो सकता। तेरे से पूछ के मैंने गलती कर दी। ये पानी में ऐसे क्या पकड़ रहा है? अरे बाबा, कोई प्यार का चक्कर तो नहीं है ना? मुझे बोल दे, शर्मा मत।
पागल कहीं का। ए भाई बता दे कौन लड़की है, बता दे शर्मा मत, जल्दी बता, प्यार का चक्कर है, मुझे पता है। अरे वो आंटी तो तुझे बुला रही है। आंटी है? ए अबे रुक, कहाँ जा रहा है? अबे रुक जा, अरे रुक। हमारे भविष्य का सीएम भाई लक्की राजा भाई, इस खोले में चलते हैं भाई, अपना बहुत हिसाब किताब है इधर। नमस्ते 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 नमस्ते, मैं हूँ लक्की राजा। वो तो पता है 18 तारीख को इलेक्शन है, वोट जरूर कीजिएगा, किसी को भी कीजिए, भूलिएगा मत, आपका चुनाव चिन्ह लड्डू, लड्डू पर वोट जरूर कीजिए। वोट कर रहे हैं, हमारे भविष्य का सीएम भाई लक्की राजा। कैसी आवाज है यहाँ? हमारे नेताजी की चप्पल चोरी करेगा, देखिए नेताजी ये चप्पल चुरा करके भाग रहा था, एक नंबर का चोर है ये। नेताजी जिंदाबाद। क्यों ऐसे शराब पी के अपनी सेहत खराब कर रहे हैं? क्या चाहिए तुझे? सीधा 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 खड़ा रहे, सीधा सीधा खड़ा रहे। क्या चाहिए तुझे नेताजी? ये ले नौ लड्डू, मुझे 2000 रुपए चाहिए। नो पैसा, ओनली लड्डू। चल क्या देख रहा है, जाना तज्जा मोटर है। ए चप्पल रख के जाने के लिए बोल। चलता हूँ। ए वोटर लिस्ट चेक कर ले। ठीक है भाई। वोटर लिस्ट में गणपति सर की उम्र नहीं लिखी है, उनकी उम्र क्या है मैडम? उनका क्या, 60 साल के हो गए हैं, आज रिटायर भी हो रहे हैं। गणपति की गाड़ी खड़ी है। हमारे प्यारे मित्रों, हमारे हिंदी मास्टर गणपति सर आज अपनी इस मास्टर की सर्विस में रिटायरमेंट ले माचिस, रहे हैं। माचिस सर्विस में जितनी अच्छी शिक्षा बच्चों को दी है उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। गणपति सर के जाने से हम सभी टीचर्स दुखी हैं। अरे इधर हूँ मैं, यहाँ हूँ। आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मैं चला जाऊं, आप सबका धन्यवाद। अगली बार माचिस लेकर आऊंगा। ये सब कोई फंक्शन है क्या? फंक्शन है ये? मेरी यही इज्जत है यहाँ। हुआ क्या? मैं अच्छी तरह समझ चुका हूँ कि दूसरों के लिए जीने का कोई फायदा नहीं है। आज के बाद मेरी खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है। जानता है मैं रिटायरमेंट के बाद कैसे जीने वाला हूँ? सुबह उठते के साथ ही लीला के हाथों से खूबसूरत फिल्टर कॉफी, उसके बाद नाश्ते में टेस्टी इडली और साथ में पुदीने की चटनी, हर रोज अलग अलग नाश्ता, हफ्ते में 4 बार मंदिर और 3 दिन सिनेमा, ठीक ऐसे ही एक जवान लड़के की तरह खुश होकर जीवन बिताने वाला हूँ। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ मुझसे मत पूछना, मेहरबानी करके समझ जाना। रुक जा, रुक जा, रुक। क्या हुआ? क्या बोला तूने? टेस्ट के लिए इडली और पुदीने की चटनी है? हाँ। मेरी बीवी कॉल कर रही है। हाँ। स्पीकर में डालता हूँ। हाँ। रिटायर्ड होने के बाद हाँ। मुझे घर में कितनी इज्जत मिलती है जरा ये भी सुन ले। हाँ, डाल डाल डाल। बोलो डाली। ए कहाँ है तू? बकेट में कपड़े पड़े हैं, माले पर सुखाने के लिए कहा था ना। कहाँ है तू? हाँ, कहाँ चला गया? चल जल्दी घर आ। तुमने कहा था ना कि वो राशन की दुकान देख कर आओ, खुली है कि नहीं वही देखने आया था। कपड़े सुखाने के बाद तुमको राशन लेने भी तो जाना है। रिटायर हो गया है ना तू? रिटायर हो गया है ना? जवाब दे। अबे मुंह खोल के जवाब दे। मैं सर हिलाया था ना मैंने। क्या कहा? सिर हिलाया? फोन पे हाँ बोलना चाहिए, सिर नहीं हिलाते, समझा क्या? सिर हिला रहा है। अब एक काम कर, अपना हाथ ले और मुट्ठी बना के अपने सिर पे जोर से मार। चल, उसकी आवाज मुझे यहाँ तक सुनाई नहीं चाहिए, चल मार। अरे हो गया। ए 10 मिनट में घर के अंदर होना चाहिए, वरना आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। ठीक है। देखा ना, रिटायर्ड होने के बाद मेरी क्या इज्जत है। अगर मैं
घर लेट गया तो गालियों के साथ बक बक करती रहेगी वो, पता नहीं क्या 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 बातें कहती रहेगी वो। इतने लंबे लंबे नाखून रखती है, अपने लंबे लंबे नाखून से मेरे बदन को खरोच डालेगी वो। हाँ, और ऐसे ही नहीं, इधर 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 पूरे बदन को खरोच देगी वो, कुछ भी नहीं बचेगा बदन पर। गणपति भाई, मेरे साथ जो हुआ है वो तेरे साथ नहीं होना चाहिए। अभी तेरे घर जाते ही तेरी बीवी तुझे एक काम देने वाली है, अगर तुमने वो काम कर दिया ना तो हमेशा वो काम करता रहेगा। अरे भाई भाई भाई, मेरी बात सुन, मेरी बात तो सुन। अरे यार सुन तो, अब जाना यहाँ से, मार्ग में देश चला जाएगा। अब बता भी दे कौन लड़की है यार, ये सिंह ना तेरी नाक में घुसा दूंगा, तू जा यहाँ से, तूने शराब पिया तू सबको बता देगा। चल भाई, तू मेरे पे शक कर रहा है भाई, हम दोनों साथ में पढ़े हैं, साथ में खेले, यहाँ तक कि साथ में सोए भी है, हमने साथ में फिल्में देखी है, तेरा बाप मुझे भी बेटा बोलता है। सावित्री, क्या हुआ? सुन तो, क्या है माँ? क्या कर रही है? कितनी देर से बुला रही है? सावी है क्या? चीनू, खा ले। ओह, आइए। आओ सावी, बैठिए ना। क्या लीला, खाना बना लिया क्या? ठीक हो ना बहन? पूरी गोलू आ रहा है ना इसलिए। हाँ। ये अचानक से ट्रांसफर कैसे? अब मेरी तो गवर्नमेंट जॉब है, कब कहाँ ट्रांसफर कर दे मुझे खुद पता नहीं रहता। हाँ, वो भी कॉलेज में जाकर अभी टीसी लेना भी बाकी है। माँ, ये सब मैं देख लूंगी, आप जिस काम के लिए आई है वो कीजिए। 20 रुपया। क्या यार, तूने कब से चाय बेचना शुरू कर दिया? रिटायरमेंट के बाद शुरू किया। ऐसा क्या? हाँ जी। ना तूने? ए गणपति, आगे कहाँ जा रहा है? यही तो तेरा घर है, क्या हो गया तुझे? देख गणपति, तेरा जिगरी दोस्त होने के नाते मैं जो झेल रहा हूँ वो सब बता दिया है। ये ले, अपनी इज्जत को बचा कर रखना। फोन आने से पहले अगर मैं घर नहीं गया तो मुझे मार पड़ेगी, कन्फर्म है। चल। अगर ये आज गांव जाएंगे तो 17 तारीख को वापस आएंगे। उस दिन आप सब लोग हमारे घर पर जरूर खाने पर आइए। सभापति, उस दिन कहीं मत जाना, मेरे घर पर आना है। सर, नमस्ते सर। नमस्ते भैया, आप आ गए। फंक्शन अच्छे से हुआ ना? आपकी तो बहुत तारीफ हुई होगी। लाइए मैं रख देती हूँ, ये बहुत अच्छी। क्या हो गया इन्हें? लीला, पानी की गाड़ी आ गई, हंडी लेकर आ। हाँ, आती हूँ आती हूँ। अरे अरे अरे, पानी भर रहा है ना। ये लीजिए, आप जाकर लाइन में पहले खड़े हो जाइए, वरना बहुत भीड़ हो जाएगी। घर के अंदर जाते ही तुम्हें काम देगी, अगर वो काम तुमने कर दिया ना तो समझ लो हमेशा करोगे। सर, हम लोग 18 तारीख को गांव जा रहे हैं, 17 तारीख को आप हमारे घर पे खाना खाने के लिए आइए ना। सर, 18 तारीख आप लोग गांव जा रहे हैं, हमें 17 तारीख को आपके घर पर खाने के लिए आना है, और कुछ? क्या माया, ये तो चलते हैं हम। चलिए ए, चल चल चलते हैं, बाद में आते हैं। सॉरी माया। वो मुझे भिखारी समझता है क्या? बीवी को लाकर यहाँ तमाशा दिखा रहा है। अरे वो लोग सुन लेंगे तो क्या करती है? बोलिए ना। अरे तुम चलो ना, क्या तुम उसे जानती नहीं हो? चल, सुनिए, 18 तारीख को वो लोग गांव जा रहे हैं, इसीलिए 17 तारीख को वो लोग खाना खाने के लिए बुला रहे थे, इतने में तो आप आ गए। जो जो गांव जाएगा उसके घर पे हम लोग खाना खाने जाए, यही बचा है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? 40 साल के बाद रिटायर्ड होकर मैं घर पर आया हूँ और तुम उसके सामने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो? आज के बाद जब मैं घर पर लेट आऊंगा तो मेरे सामने खड़े होकर मुझे गंदी गंदी गाली दोगी क्या? अरे अरे, मैं ऐसा क्यों करूंगी? हाथ नीचे 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 करो, नीचे 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 करो, नीचे नीचे नीचे, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, ऐसे 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 उल्टा करके दिखाओ। ये तुमने नाखून क्यों बढ़ाया हुआ है? मुझे नोचने के लिए क्या? तुम ये जरूर करोगी, अगर मैं ये हंडा लेने नीचे झुकता तो तुम जरूर मुझे नोचने लगती। मंजू, जाकर नेल कटर लेकर आओ। नेल कटर कहाँ है? मैं रिटायर्ड होकर घर आया तो नेल कटर कहाँ है ये तुम मुझसे पूछोगी क्या? जाओ ढूंढ कर लेकर आओ, जाओ। लगता है मेरी कोई इज्जत ही नहीं। तुम बैठो, ऐसे 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 हाथ करके बैठो, बैठो। यहाँ आओ, तेरी माँ की उंगलियों में एक भी नाखून बड़े नहीं रहने चाहिए, सारे नाखून काट दो, पैर का भी काट देना।
नहीं, मैं कल नाखून काटने का अच्छा दिन है, यह कैलेंडर में लिखा है क्या? पता नहीं क्या हो गया इन्हें। चुपचाप खड़ा रहे, हिलना बंद कर। अभी मैं रिटायर्ड होके घर आया हूँ, इतनी देर से घर पर क्या चल रहा था तुझे कुछ भी पता नहीं है क्या? मुझे जवाब चाहिए। क्या? जवाब दे। सवाल करेंगे तब जवाब दूंगा ना। जो मैंने पूछा उसी का जवाब दे। तू जवाब दे। माँ इधर क्या देख रही हो, उधर देखो। क्या माँ ये भी? खत्म कर दिया। क्या? अरे इसको खत्म कर दिया क्या रे? कब जा रहे हो? कहाँ? लड़की देखने जाना है क्या? लड़की पहचान वाली होनी चाहिए, माँ को पसंद आनी चाहिए। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरे, टुकड़े टुकड़े। ग्रेजुएट हुए कितने साल हो गए लेकिन तेरी नौकरी का कुछ अता पता ही नहीं। लड़की चाहिए तुझे, लड़की? इधर आ। ए तो रुक, तुम खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। सुनो, आज के बाद जो भी मैं बोलूंगा इस घर में वही होगा। मैंने जो कहा याद रखना। आज के बाद सिर्फ मेरा एक ही काम है, इसे नौकरी पर भेजना। कल से इस टेबल पर एम्प्लॉयमेंट न्यूज, कहां कहां काम है इसका पेपर ही रहना चाहिए, समझे? सभापति, कल से इसमें का एक भी इंटरव्यू छूटना नहीं चाहिए। तू ऐसे खंभे की तरह क्यों खड़ा है? जवाब दे। सवाल पूछोगे तभी जवाब दूंगा ना। क्या पूछूं मैं? वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सी की दहाड़ हो, वीर तुम बढ़े चलो। इस कविता को किसने लिखा है बताओ? इसे लिखने वाले अप्पा राव है या संभा राव है, सुंदर राव, मानिक राम, ये कौन है? पापा इंटरव्यू में ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। पूछेंगे। इस गणपति के जैसा मास्टर वहां के इंटरव्यू में बैठा रहेगा, वो पूछेगा। ये लो, मैं तुम्हारे लिए एक जीके की बुक लेकर आता हूँ, तब तक तुम ये सब याद करके रखना। ए, पूरा लिखो। रुको। सभापति, जवाब दिए बिना कहाँ जा रहे हो? बोलो, क्या देख रहे हो? जवाब दो। अरे छोड़ो, अरे दीदी, चड्डी निकालता हूँ, रुक। अरे छोड़ो, अरे नहीं। पापा का गुस्सा इस तरह बच्चे पर क्यों उतार रहे हो? अब ये चेहरा क्यों बना लिया? क्या हुआ? सावित्री गांव छोड़कर जा रही है इसलिए उदास हो? देखो एक बात बताऊं, जब नौकरी मिलेगी तभी सावित्री मिलेगी। नौकरी मिलेगी तभी सावित्री मिलेगी? नौकरी मिलेगी तभी सावित्री मिलेगी कह रही हूँ। नौकरी मिलेगी तभी सावित्री मिलेगी। एक मिनट रुको। नौकरी मिलेगी सावित्री मिलेगी, नौकरी मिलेगी सावित्री मिलेगी। ये ले, पकड़ो। ये लैपटॉप सावित्री मुझसे मांग रही थी, इसे देने के बहाने तुम उससे मिलकर आ जाओ। सावी, सावी, मंजू ने ये लैपटॉप तुम्हें देने को बोला है। मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। क्या पूछना है? पूछो। कल रेलवे स्टेशन पे 11:30 को वेट करना है, ठीक है ना? तुम क्या पूछने वाले हो मुझे पता है।
जब नौकरी मिलेगी तभी सावित्री मिलेगी। और उसने उसको ऐसे जवाब दिया जैसे वो खुद उसके ऊपर सोई हो। क्या हुआ सर, लेडीज के सामने आप इस तरह से जोक मार रहे हो? क्यों, आप बच्चों के बीच में क्यों बोल रहे हो? उसके पहले ही दो बच्चे हैं और ये वापस से प्रेग्नेंट हो गई है। हम लोगों से ज्यादा उसको ही जोक पसंद आएंगे। मेरा काउंटर कैसा था? नेक्स्ट। सर आपके शर्ट का बटन टूट गया। बैठ जाओ, फाइल दो। अपना नाम बताओ। सभापति सर। यहाँ तो जी सभापति लिखा है और आप तो कुछ और बता रहे हैं। नहीं सर, सभापति अपना नाम बता रहा हूँ। सभापति, आपको ये काम क्यों मिलना चाहिए? मिलना चाहिए सर। मिलेगा, लेकिन क्यों मिलना चाहिए? मिलना चाहिए सर। क्यों मिलना चाहिए? अरे ये तो इंटरव्यू देते समय शर्मा रहा है। सभापति, आपको ये नौकरी क्यों मिलनी चाहिए बताइए। नौकरी मिलेगी तभी चाबी मिलेगी सर। कौन सी चाबी? घर की चाबी क्या? चाबी सर। ये चाबी क्या? सर ये चाबी नहीं सर। ये चाबी? सर ये सब नहीं सर, मेरे घर के सामने रहने वाली। आपको नौकरी चाहिए या चाबी चाहिए? नौकरी मिलेगी तभी चाबी मिलेगी, ऐसा मेरी बहन। सभापति, मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? आपको नौकरी चाहिए या फिर आपको चाबी चाहिए? क्या सर, फालतू में उसकी इंसल्ट कर रहे हैं आप। क्यों सर, आप मेरे काम में हमेशा टांग अड़ाते हैं। अगर कोई हिंदी बोलता है तो उससे हिंदी में बात करेंगे तभी तो समझेगा। अगर कोई और भाषा बोलता है तो उसके साथ वैसे बोलना चाहिए। अगर ये हकलाता है तो मुझे भी हकलाना ही पड़ेगा। क्यों सभापति, तुम हकलाते हो तो तुम्हारे साथ हकला के ही बोलना पड़ेगा ना। क्या सर, आप तो इसकी इंसल्ट कर रहे हैं। इतनी देर से आप लोग देख रहे हैं ना, तो आप ही लोग इंटरव्यू। सर आप उससे किस तरह की बातें कर रहे हैं? ये क्या बात हुई सर, पहले आप मेरी बेइज्जती कर रहे थे और अब बेचारे के पीछे पड़ गए। सही कहा आपने, बिल्कुल सही किया। अब मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे उसकी भाषा में उसे समझाऊंगा तो उसे समझ आएगा ना। चाबी नहीं चाहिए क्या? सॉरी साबी, थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं। सभापति, तुम कह रहे थे तुम्हें कुछ पूछना है। क्या पूछना है? हे सभापति, अब तो तू बिना हट के बोल दे तोतला ना मत। बोलो ना। तीन ही शब्द हैं, बोल दे यार, बहुत इजी है। अरे वो मायरूड वॉइस में ऐसे तोतला पर निकल जाता है। क्या है बोलो ना। कोई बात नहीं बोलो। बुड्ढी के बाल, बुड्ढी के बाल, बुड्ढी के बाल ले लो, बुड्ढी के बाल। बुड्ढी का बाल खाओगी? इस बार का इलेक्शन हमें ही जीतना है। हाँ हम ही जीतेंगे भाई। और ध्यान रहे, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भाई आप आगे चलिए, मैं अभी आता हूँ। ठीक है ठीक है, साथ में जाओ। चलो तू भी जा। पता है बुड्ढी के बाल देखे तो पुरानी बातें याद आ गई। अच्छा। हमारा एक दूसरे को देखना, पापा के दिए हुए पैसे खो देना, फिर उनसे मार खाना, है ना? बिल्कुल सही कह रही हो। तो सावित्री है ना? अरे एपी जी की बेटी सावित्री है ना?
जल्दी है क्या? वो मैं श्रीनगर कार से जा रहा हूँ ना, इसीलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। सभी तुम जाओ, तो मैं जाने को बोल रहा हूँ ना, ट्रेन जाने वाली है, जाओ ना। ए, कौन है रे तू? मैं उससे बात कर रहा था ना, फिर उसे जाने के लिए क्यों बोला? हाँ, मेरी फ्रेंड है, पहचान वाली लड़की है मेरी, इसलिए जाने को बोला। तू तो वही हकला है ना, मेरे सामने होशियारी दिखा रहा है तेरी तो। अरे रुको भाई, भाई 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 भाई, नेताजी लाइट पर है। हेलो, ए सलमान, कहाँ है तू? भाई मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ। बांटने के लिए पैसे रेडी हो गए, 6 सूटकेस में 120 करोड़ रुपए, संभाल के ले जाना। ठीक है भाई, मैं अभी आता हूँ। एक दिन मरेगा तो लिमिट में रहना, बड़ा है। ए कहा था ना, अगर इंटरव्यू में नहीं पास हुआ ना तो तेरी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा, समझ में नहीं आता क्या तुझे? ए इंटरव्यू में क्या हुआ? एक ही बात तुझे कितनी बात समझाऊं, हैं? समझ में नहीं आती मेरी बात? ए रुक, मैं कुछ पूछ रहा हूं और तू अंदर चला जा रहा है। इंटरव्यू में उन्होंने क्या पूछा और तूने क्या जवाब दिया, बता। ए, ए, रुक जा। ए, सभापति, अभी के अभी तू दरवाजा खोल। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हैं आप, इस तरह दरवाजा क्यों पीट रहे हैं? इंटरव्यू के लिए गया था, वहाँ क्या हुआ पूछा तो ये अंदर जाकर बैठ गया, कोई जवाब नहीं दे रहा है। इंटरव्यू में गया होगा और नौकरी नहीं मिली होगी, ये बात नहीं बता पा रहा होगा बेचारा। बेटा बेटा, सुनो, मैंने अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढने की जिम्मेदारी तुम्हें दी है। ठीक है, लड़की के पास पैसा कम भी होगा तब भी चलेगा, पर लड़का संस्कारी होना चाहिए। जिसे कोरोना हुआ हो ऐसा हैंडसम लड़का चाहिए क्या? ए, क्या तुम लोग फॉरेन से आए हुए कैदी की तरह डिमांड करके बैठे हुए हो? ए, मैं यहाँ इतनी सीरियस बात कर रही हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? हे मेरी माँ महालक्ष्मी, आपने इस कॉमेडी पे यकीन किया, मुझे खुशी हुई। इस घर में ह्यूमर सेंस मुझे है, सेंस तो किसी के पास है ही नहीं। सुनिए, जरा यहाँ तो आइए। जरा क्या, पूरा आता हूँ ना, बताइए क्या बात है। सावी आपसे कुछ पर्सनल बात करना चाहती है। बोलो। जीजा जी, माँ जो बोल रही है प्लीज उनकी बात मत मानिएगा। क्यों? क्यों क्या, ये बेचारी किसी से प्यार करती है। ऐसा क्या? हाँ, और मैं उन्हीं से शादी भी करूँगी। लड़का कौन है? हमारी जान पहचान वाले ही लोग। हमारे जान पहचान में कौन है? ए, चिनू, अरे रुक जा। ए, ए चिनू, यहाँ का सारा सामान उठाकर एक जगह जमा कर रहा है तू, ला इधर। सभापति, जल्दी में हो क्या, कहाँ जा रहे हो? मेरे पापा पीछे खड़े हैं क्या? नहीं। फिर मैं अर्जेंटली कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो फिर एक मिनट यहाँ आओ ना। कहाँ आना है? चलो आओ ना। सभापति, कंफर्म कर दिया, कंफर्म कर दिया। आजकल ये बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गया है, मैं ही अपना ख्याल नहीं रख पाता है। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बैठो बैठो, आ जाओ। अच्छा तो सावी को यही पसंद है क्या? बहुत दिनों बाद तुमसे मिला हूँ, बताओ कैसे हो? अरे क्या क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया भाई? सीखो सीखो मेरे दोस्त से सीखो, देखो इसकी हंसी नहीं रुक रही है, लेकिन तुम लोगों की हंसते ही नहीं हो। क्या हुआ भाई, तो इतना हंस क्यों रहा है? पिछले पोंगल पर जब आए थे, हाँ हाँ हाँ, आपने एक जोक बोला था, हाँ यार, तो वो याद करके मुझे हंसी आ रही है। उस समय जो जोक बोला था उसे सोच के तू अब हंस रहा है, ये मेरी बदनामी कर रहा है। ऐसा क्या जोक सुनाया था मैंने? मैं तो तेरे पास पोंगल के लिए जो कपड़े लिए थे वो है क्या पूछ रहा था, तो तू बोला ये पोंगल के लिए नहीं लिया बल्कि मेरे लिए। अरे वो बहुत पुराना जोक है यार, उस जोक को अल्टर करके अपडेट किया है मैंने। हाँ? भाई अरे सुनो ना, कॉमेडी करना मुझे सिखाओ ना। क्यों, सावी को हंसाना है क्या? तू बहुत कमाल का लड़का है। हेलो आंटी, सॉरी पापा आपको। बेटा घर में मेहमान आए हुए हैं, किचन में बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, तुम्हारी ये रुक रुक कर की हुई बातें सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे माफ करो बेटा। सुनिए जी,
अच्छा ये बताओ शादी कब करने वाले हो? वैसे लव मैरिज करोगे या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज से बेहतर तो लव मैरिज ही होता है सभापति। वो तो देखा है मैंने। वैसे एक बात बताऊँ, बिना जान पहचान की परी से शादी करने से अच्छा है जानी पहचानी राक्षसी से कर लो। सही कह रहा हूँ ना? अच्छा सुनो, मैंने तो कॉमेडी कर दी है, लेकिन जोक को तुम अपने हिसाब से अल्टरनेट करके सुनाओ ना। ट्राई करो। अरे ट्राई करो ना। क्या यार अनजान चुड़ैल से शादी करने से बेहतर है जिस भूतनी को जानते हो उससे। क्या बात है, बहुत बढ़िया सीख गया बेटा। क्या रे, घर पर आई हुई बहू को चुड़ैल कहकर बेवजह की बातें कर रहा है? ये बोल रहा है और तू हंसे जा रहा है? तुम्हें इंटरव्यू के लिए जाना है ना, चलो उठो। माँ ए मुंह बंद कर, अपने बाप को तो इज्जत देनी आती नहीं? लड़के के अंदर समझदारी ही नहीं है। ना ही भगवान ने शक्ल अच्छी दी है और ना ही बात करने की तमीज दी है इस लड़के को। तू तो वही हकला है ना? हा? अच्छा ये बता, तुम्हें नौकरी चाहिए या फिर सावी चाहिए? ए सभापति रुक जा। कल इंटरव्यू में उन्होंने क्या पूछा और तूने क्या जवाब दिया वो तो तूने मुझे नहीं बताया, लेकिन आज के इंटरव्यू में उन्होंने क्या पूछा और तूने क्या बोला, जब तक बताएगा नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं। चल अब बता। क्या बोल रहे हो क्या बोलूं? वही, उन्होंने क्या पूछा और तूने क्या जवाब दिया? उसने कुछ पूछा नहीं और मैंने कुछ बोला नहीं। क्या मतलब? इसका मतलब मैं इंटरव्यू में गया नहीं। लीलावती कहाँ हो तुम? हाँ आ रही हूँ। तेरा बेटा इंटरव्यू में क्यों नहीं गया, पूछो इससे। क्यों बेटा, बोलना। कोई बाप ऐसे लिस्ट बनाकर इंटरव्यू में भेजता है क्या? वही मैं भी पूछ रहा हूँ कि कोई बाप इस तरह इंटरव्यू का लिस्ट बनाकर अपने बेटे को इंटरव्यू में भेजता है क्या? हमेशा इंटरव्यू देखे आओ बोलते रहते हो। वहां पर जाओगे तो तभी पता चलेगा। आंखें बंद करके तोतले जैसा बोलते वक्त सामने जो इंसान है वो भूत की तरह देखता है हमें। आप मेरे पिताजी हो, मैं फोन करता हूँ तो हेलो बोलने से पहले आप मंजू को फोन दो बोलते हो। मेरी बात जब आप नहीं समझ पाते तो वो लोग क्या समझेंगे? नौकरी ना मिलने की वजह मैं नहीं हूँ, आप हो। बचपन में मुझे डॉक्टर के पास ले गए होते और मेरा इलाज कराया होता तो आज तो कुछ अच्छा होता। जब भी घर पे आता तो बोल बोलते रहते हो, कहीं गुस्से में गाली ना दे दूं मैं। क्या कहा, तू गाली देगा? तू मुझे गाली देगा? बोलना मुझे क्या गाली देगा, बोलना। अरे बोलना कि तू मुझे क्या गाली देगा। भैया भैया आप चलिए। सारे बैग तैयार हो गए ना? भाई आ गए हैं। रेडी है भाई। कल उसने तुम्हारे सामने ऊंची आवाज में बात की, आज मुझे मारेगा क्या? मैं PhD किया हुआ टीचर हूँ, मैं जब रास्ते पर चलता हूँ तो चार लोग मुझे नमस्ते करते हैं। ऐसी बदनामी से तो मुझे फांसी लगा लेनी चाहिए। मैं फांसी लगाने की बात कर रहा हूँ और तुम कॉफी ठंडा करने में लगी हो। कॉफी पिला पिला कर ही तुम मुझे मार दोगी क्या? फांसी लगाने में मुझे कोई टेंशन नहीं है। आ गए राजा जी मुझे मारने के लिए। मैं एक शिक्षक हूँ, मेरी भी बहुत इज्जत है और उस इज्जत को मुझे कायम रखना है। राजा जी के जाने के बाद मुझे बता देना। मंजू वो किसे बुला रहा है देख। सुनिए, जब से ये रिटायर हुए हैं ना रोज कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। ए, कल पापा से ऐसी बातें क्यों की? मेरी प्रॉब्लम ही मुझे मजबूर करती है। ठीक है तो अब क्या, पापा तुमसे बात करें यही चाहते हो ना? आज भी एक इंटरव्यू है ना, उसे अटेंड करो। मैं तुम्हारे पापा से बात करवाऊंगी। सॉरी मिस्टर सभापति, आप एक गलत इंटरव्यू पे आए हैं। ये एक वॉइस कॉल इंटरव्यू है, क्लाइंट के साथ फोन पे ही बात करनी पड़ती है। सो आई थिंक इट इज कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। मेरे गाने में आपको क्या कमी नजर आई, शब्दों में या
शर्तों में बताइए। वो सब मुझे पता नहीं। शब्दों में कोई कमी नहीं है, फिर भी वो माफ किया जा सकता है, अर्थ में ही कमी हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपने जो गाना गाया एक बार वापस गाकर दिखाइए, गाइए ना। चलिए आप अपना गाना पेश कीजिए। आपके गाने में अगर कोई कमी हो। देखा शिवाजी कैसे बिना रुके डायलॉग बोल रहे हैं। चलिए पेश कीजिए। एक बार ट्राई कीजिए, मेरा इत्र लगाएंगे तो खुशबू फैलती जाएगी, बीवी भी आएगी, गर्लफ्रेंड भी आएगी, सारी आपके पास दौड़े दौड़े आएगी। एक बार ट्राई कीजिए, बस एक बार। लाजवाब इत्र है, बहुत खुशबू है, एक के साथ एक फ्री भी दूंगा। एक बार ट्राई कीजिए, सस्ता माल मगर बहुत अच्छा माल, बहुत अच्छा माल। ट्राई कीजिए, एक के साथ एक फ्री दे रहा हूँ। ट्रेन में डिस्काउंट ऑफर है आपके लिए, सिर्फ आपकी ट्रेन। अरे सभापति, कैसा है यार तू यहाँ? क्या अबे इसको पहचाना क्या? अपना टकला वासु। कैसा है वासु? अरे सभापति, ये साल में एक बार यहाँ पर आता है। तू एक काम कर, हमारे साथ चल के बार में बैठ जाना। बस तू कुछ मत करना, हमें बस तेरी कंपनी चाहिए भाई। चल यार। अरे चलना यार, चल छोड़ना प्लीज, चल यार। कैसी बात कर रहा है, चल छोड़ना यार। सभा, कितने सालों के बाद मिले हैं, मैं फॉरेन से शराब लेकर आया हूँ और तू चुपचाप बैठा है, पार्टी को खराब कर रहा है यार। भाई तू पीना। तेरे सर में बाल नहीं टकले, इसे क्यों घसीट रहा है? चुपचाप अपनी खत्म करना। अरे यार हमेशा शराब के पीछे पड़ा रहता है, ये ले। अरे क्या बात है मेरी जान। अरे यार सुनना, थोड़ी तो बात कर यार, क्या हुआ है तुझे, बता तो सही। देख टकले, ये तेरे को कुछ नहीं बताने वाला, इसका प्यार का मैटर है। क्या का लव का? कौन है यार वो लड़की? फंस गया। अच्छा वो सारी जो अपने साथ पढ़ती थी, तूने उससे प्यार का इजहार किया क्या? बोलना कौन ये करेगा। क्या हुआ बोलना? तेरे को इसकी कहानी बताता हूँ मैं। हाँ हाँ बता। ये लड़की को आई लव यू बोलने गया, लड़की 6 किलोमीटर दूर चली गई। 6 किलोमीटर सही बोला ना मैं? ऐसा ही हुआ था, बराबर ऐसे ही हुआ था ना। क्या हुआ, क्या हो गया तुझे, क्यों मार रहे हो उसे? घर पे जाते ही मेरे पापा इंटरव्यू देने जा बोलते रहते हैं। इंटरव्यू में जाने के बाद वहाँ पूछते हैं कि सावी चाहिए कि नौकरी चाहिए, बता। सावी की माँ कहती है इसका मुंह ऐसा है तो ये ऐसे बात करता है, अगर अच्छा रहता तो ठीक से बात करता। मैं हकला हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार, इससे बेहतर तो मैं किन्नर ही पैदा होता। छोड़ो, सब कुछ भूलकर फ्रेंड के साथ एंजॉय करने की सोचा तो ये भी मुझे तो चिढ़ा रहा है यार। उसने पी रखी है यार, जाने देना। शराब पीने के बाद कुछ भी बोल सकता है क्या? मतलब शराब पीने के बाद आदमी हवा में उड़ता है क्या? अरे यार सब कुछ तेरी वजह से हुआ है करे, तू भी ना। क्या करेंगे अब? अरे यार लगता है चढ़ गई। सभा क्या हुआ तेरे को? सभा सभा तू ठीक है ना? अबे यार मेरे को लग रहा है इसको चढ़ चुकी है, ये तो पूरा बदल गया। अबे जो शराब नहीं पीता है तूने उसे शराब पीने पे मजबूर कर दिया, पता नहीं क्या करेगा। वासु? ये वासु रमणी, मैं आई लव यू बोलूंगा तो मेरी वाली 6 किलोमीटर दूर चली जाएगी क्या? अभी मैं तेरे बाल के साथ क्या करता हूँ देखना, तेरे बाल को एक अच्छा शेप दे दूंगा, अच्छा डिजाइन दे दूंगा, तुझे हमेशा हमेशा के लिए एक बहुत बढ़िया स्टाइल मिल गई है। तू तो एकदम पमेरियन डॉगी की तरह लग रहा है यार। टकले तुझे क्या पता बाल खींचने का दर्द क्या होता है? क्या सर दर्द, कमर का दर्द, आधे सर का दर्द, हाथ दर्द, पैर दर्द, घुटनों का दर्द, पीछे का दर्द और पेट का दर्द। अरे बाप रे कितने सारे दर्द है, लेकिन ये दर्द वो दर्द शमशान घाट में जाने वाला दर्द का इलाज है मेरे पास। इसे दौड़ा दौड़ा के मारने वाला एक ही रास्ता बचा है मेरे पास। 5 रुपए की एक बाम की बोतल लेके आया, इसको लगा देता हूँ और ये फिर गया। इसने बिना हकला इतना कुछ बोल दिया। अरे यार ए सभा, तूने कमाल कर दिया। देख मेरे भाई, ये दुनिया के लिए शराब है मगर तेरे लिए दवाई है, तू जितना इसे पिएगा उतना साफ बोलेगा। अर्पी अर्पी पी जा। हाँ
अब फिर से बोल, एक बार फिर से बोल, ट्राई कर एक सांस में। अब बोल। ये क्या है? तो लगता है इसका नशा कम हो गया। रुक जा, इसे और पिलाता हूँ। पीजा 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 पीला पीला पीले पीले। कटाकट पीने के बाद फटाफट बोलना शुरू करना। अब बोल, अब बोल, बोल बोल। अबे ये तो और भी दूध ला रहा है। और पिलाना पड़ेगा। जल्दी से एक पैग और पीजा लीजिए। ये ले, फटाफट पीजा। हाँ जल्दी कर, चला फटाफट बोल दे भाई। अरे बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है, जाने देना है। लगता है और पिलाना पड़ेगा। ले भाई पीजा और बोल। अब तू बोलेगा, बोल। बेवकूफ कहीं का, इसका तोतलापन खत्म करने के चक्कर में तूने पूरी बॉटल खत्म कर डाली। अब इसे होश आने में दो दिन लगेगा। अब वो सब छोड़, इसको उठा, चल उठा। अरे उठ जा भाई, सभा आराम से, आराम से। आप रिटायर हुए हैं तो क्या अपना पूरा गुस्सा उसी पर निकालेंगे? सुबह गया था, 11:30 हो रहे हैं, अब तक नहीं आया बेचारा। इस वक्त ही लाइट को जाना था। देख तूने बहुत ज्यादा पी लिया, अपने पापा के सामने मत जाना। बैक डोर से जाना। नहीं, मुझे सामने के डोर से जाके पापा को सॉरी बोलना। जल्दी से तो निकल ले, पता नहीं ये क्या करने वाला है। बगल में ट्रांसफार्मर फट गया है, पता नहीं कब तक आएगी लाइट। गणपति मास्टर जी आ रहे हैं क्या? मैं उनको सॉरी बोलने जा रहा हूँ। गणपति मास्टर जी आ रहे हैं क्या? मैं उनको सॉरी बोलने जा रहा हूँ। गणपति मास्टर जी आ रहे हैं क्या? उनको मैं सॉरी बोलने जा रहा हूँ। कितना टाइम लगेगा लाइट आने में? कितना टाइम लगेगा, कुछ तो बता। मेरी लवर के छोटे मदर, कम ये। मैं तेरे घर का दामाद बनने वाला हूँ। मुझे देख के तेरा मुंह ऐसा क्यों हो गया है? सासू माँ नाचना अच्छे से। अरे अरे तुम लोग सब लोग देख क्या रहे हो? इसने मुझे क्या हालात करी? क्या देख रहे हो इसे? अरे कोई तो कुछ करो, कोई बोलने वाला ही नहीं। दिमाग खराब हो गया है इस लड़की का। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, शर्म नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स लग रही है। ए, 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 क्या ये? ए, क्या कर रहा है? अरे गणपत, I love you, गणपत। अरे दे दे दे, ए लीला, लीला, अरे दे दे, ये मेरे गाल को काट रहा है, मेरे गाल को काट रहा है ये। अरे मुझे बचाओ, अरे दे दे, ये मुझे गिराने वाला है। अरे अरे बचाओ लीला, जल्दी आओ, देखो ये मुझे गिराने वाला है। अरे दे दे, अरे दे दे, अरे गणपत क्या हो गया इसे? लगता है पीकर आया। हमारे खानदान में किसी को शराब की महक तक नहीं पता, इसे इसकी आदत कैसे लग गई? दरवाजा खुलने से लेकर धोती उतारने तक मेरे साथ क्या हुआ मुझे ही नहीं पता। मैं कौन हूं? पीएचडी किया हुआ मास्टर हूं। मुझे इस तरह फटे हुए बनियान में खड़ा कर दिया। ऐसी हालात में अगर किसी ने देखा। तुम लोग यहाँ अंदर कैसे आ गए? चलो जाओ यहाँ से बाहर, जाओ। अरे जाओ, जाओ। उस दिन मुझे वैसे नहीं बोलना चाहिए था गणपत, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। अपनी पहली तनख्वाह से एक वीक लेकर दूं क्या? रुक जाओ पापा, वैसे ही नाराज़ हैं। उस दिन ना मुझे तुमसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए गणपत। उस दिन जो मैंने तुम्हारे साथ ऐसी बात की ना, सॉरी है सॉरी। ए मेरा बुढ़ा, मेरी जान। अच्छा मैं अपनी पहले महीने की तनख्वाह लेके तुमको वीक ला के दूं क्या? तुम्हें इस तरह का बाल का शेप चाहिए क्या, या इस तरह उठाकर बाल बनाने का शेप चाहिए?
ए, जाओ तुम लोग यहाँ से। मैंने जाओ ना। बनाओ अच्छे से बनाओ। अभी मैं लाइव फांसी पे लटकने वाला हूँ, उसका भी बनाना। ये। सुनिए तो सुपरमैन फांसी पर लटकने वाला है। जॉली जॉली मैं वाला नहीं हूँ, मैं फांसी पे लटक कर ही दम लूंगा। मेरी इज्जत गई, शोहरत गई, आज मैं नहीं रुकूंगा, किसी की नहीं सुनूंगा। मुझे फांसी पे लटकना है। छोड़ो मुझे। अरे अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो निकालो। अरे क्या कर रहे हो? लोग देख रहे हैं। अरे मास्टर जी, क्या इस उम्र में शराब पीकर के आप नाटक कर रहे हैं? अरे अरे ऐसा नहीं है जी, हमारा बेटा है वो। ठीक है, लेकिन ये तो मास्टर है ना। हाँ भाई, बच्चों को ऐसे पालते हैं क्या? चलिए चलिए, जाइए ने पानी पिलाइए। चलिए चलिए, आप लोग जाइए। चलिए चलिए, सब जाइए जाइए जाइए, अपने अपने घर जाइए। चलिए चलिए, निकलिए यहाँ से, भाग बना रखा। चलिए चलिए, जाइए जाइए चलिए। अरे चलो, जाओ जाओ, चलो सब जाओ। अरे जाओ भाई, चलो चलो। चल क्या रहा है यहाँ? हाँ लीला, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ और तुम उधर क्या देख रही हो? क्या है ये? ए, तुम कौन हो जो मेरे घर के अंदर बैठकर बीड़ी पी रहे हो? चलो निकलो। सैन की बुड्ढा, आराम से पी। रोज नया ट्रेन ड्रामा क्यों करते हो? ए, माफी मांगो पापा से। पापा से माफी मांगो, उठो। बोलो। ए, क्या हुआ? गणपति बाहर आ, तू बाहर आ। गणपति देख, तेरे बेटे ने मुझे लात मारी। बहुत बदतमीज बेटा है जीजा जी, कल चाहे जो भी हो, मैं सभापति और अपने प्यार के बारे में बता दूंगी। ए सभापति, क्या किया तूने मेरी बेटी के साथ? ए गणपति, तेरा बेटा मेरी बेटी को अपने जाल में फंसाकर मेरी जायदाद पर कब्जा करना चाहता है। पता पता क्या सोच रहा है तू? मेरे लवर की मदर लफड़ा कर रही है तू? गणपत, नो टेंशन गणपत, टेंशन मतलब मैं सब देख लूंगा। आगे का दरवाजा बंद कर दिया तो पीछे का दरवाजे के जरिए जाऊंगा। माय लवर की छोटी मदर, आई एम कमिंग। आ रहा हूं मैं, तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक, हल्का हो लेता हूँ तो फाइट करने में मजा आए। एक बैग में 20-20 करोड़ थे, 120 करोड़ जलकर खाक हो गए, और ये तुझे छोटी बात लग रही है? तुझे तो कि देख देख देख, नेताजी का फोन आ रहा है, क्या जवाब दूं मैं, क्या जवाब दूं, बोल। थोड़ा सा पानी तो दे दो ना मंजू।
गणपत शराब पी के आया इसलिए बैग को बाहर फेंक देगा तो घर छोड़ के चला जाऊंगा क्या? ये मेरे दादाजी की जायदाद है, मैं क्यों बाहर जाऊं? ये मेरी बैग और कपड़ों के साथ मैं यहीं बेचूंगा। मैंने जो बोला था उसके मुताबिक मैं समय पर आ गया। आखिर ये अपने आप को समझता क्या है? मेरी बात अच्छी तरह से सुन ले, इस गणपति की यहाँ बहुत इज्जत थी, सब बर्बाद कर दिया। सोचा था आखिरी वक्त में ये कमा कर खिलाएगा, शांति से कॉफी तक नहीं पी रहा, इसने एक तरफ के गाल को काट दिया। देखो दूसरी तरफ से पी रहा हूँ, शराब की दुकान के करीब से मैं नहीं गुजरा और इसने तो शराब पीकर मेरे ऊपर ही उल्टी कर दी, नालायक कहीं का। तुझे क्या लग रहा है कि मैं पागल हूँ जो अकेले बड़बड़ कर रहा हूँ? क्या तेरी माँ की दीवी इडली से ही तुझे मार दूंगा। जैसे बिच्छू डंक मारता है, सांप डसता है, केकड़ा काटता है, उसके डर से कोई ताड़ के पेड़ पर चढ़कर जैसे नाचता है, वैसे ही तूने कल मेरे साथ बर्ताव किया। माँ उधर क्या देख रही है? चलो चलो। किसका सूटकेस है? कोई रिश्तेदार वगैरह आया है लगता है। नमस्ते सर। अरे आओ आओ कविता, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ सर, आशीर्वाद दीजिए। अरे जीती रहो जीती रहो, बैठो बैठो। बात क्या है? आपके स्कूल में ही मैंने पढ़ाई की है, वहीं पर मुझे नौकरी मिल गई। पता है अब बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिला है सर। अरे ऐसी बात है, तो मैंने सोचा यहाँ आकर आपसे मिलूं और आपका आशीर्वाद भी। बस ऐसे ही पढ़ाती रहो, भले ही किसी भी बड़े पद में हो लेकिन उनका भी कोई ना कोई टीचर होता ही है। हाँ सर, इसीलिए गुरु को भगवान से भी ऊंचा मानते हैं। हाँ। तुम तो जानती ही हो कि किसी भी टीचर के अंदर अगर टैलेंट है तो उन्हें दुनिया के किसी भी कोने में इज्जत मिलती है। हाँ। अरे सभापति यहाँ हो ना। आजकल क्या कर रहे हो तुम? इंटरव्यू में जा रहा हूँ। अच्छा। सुना है पीटी मास्टर जी की शादी तय हो गई है? हाँ, बहुत अच्छी लड़की। लड़की किस गाँव की है? पास के गांव की है। त्रिची और श्रीरंगम के हाईवे पर ट्रक और टाटा सुमो में टक्कर होने की वजह से टाटा सुमो कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। एक्सीडेंट की वजह से सीसीटीवी कैमरे में हुए रिकॉर्ड के मुताबिक कार के अंदर 5 पेटी मौजूद थी, कार के साथ पेटी भी जलकर राख हो चुकी है। हमारे सुमो में 6 बैग थे, ये लोग सिर्फ 5 बोल रहे हैं। भाई मेरे को लगता है वो लोग गलत बोल रहे हैं। भाई आपको टीवी में 8 बजे वाली न्यूज सुननी चाहिए थी भाई। अरे भाई 8 बजे तो विश्वासम फिल्म आई थी। पुलिस तहकीकात कर रही है। क्या विश्वासम फिल्म? भाई 8 बजे आई थी। चुप भाई, भाई बैठ जाओ भाई। ए तू बाहर जा रहे? बेवकूफ कहीं का, कुछ भी बोलता है। भाई हो सकता है वो बैग एक्सीडेंट के जगह पे गुम हो गया हो। कुल 6 बैग थे, उसमें से 1 बैग में जरूरी पेन ड्राइव थी, उसमें से पार्टी का पैसा किसको कितना देना है उसकी लिस्ट भी है। अगर ये पुलिस के हाथ लग गई ना तो सूमो में जो पैसा था वो अपना ही था और एक्सीडेंट से बचकर निकलने वाला तू ही ये पता चल जाएगा। इस बात का मुझे डर है फिर हम 10 साल तक इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते और पार्टी का चिन्ह भी हमसे छीन लिया जाएगा। भाई एक्सीडेंट हुए 2 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक अपने बारे में कोई न्यूज नहीं आई है। वो बैग जरूर पब्लिक में से किसी के हाथ लग गया होगा। वो बैग मुझे चाहिए। कौन है ढूंढो, कौन है पता लगाओ और ढूंढ कर लो। यहाँ उस अनजान इंसान को पुलिस वाले अब तक ढूंढ रहे हैं। हम हमेशा आगे की सोचते हैं। अच्छा नए शिक्षक काम कैसे कर रहे हैं? कितने टीचर्स आए हैं? सारे के सारे टीचर्स अच्छे से पढ़ा रहे हैं ना? वहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? अगर किसी को टीचर से शिकायत हो। हाँ?
देखो जल्दी चलो। ए लीला, कैसे कैसे अरे जल्दी उठाओ मुझे। अरे रे, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा लीला। वो मेरे मुंह पे पेशाब करने वाला था। ये मुंह है कि गटर है? कल उसने मेरे मुंह पर पप्पी दिया, चेहरे पर कपड़े डालकर मुझे मारने वाला था। इस घर में मेरी जान की कोई गारंटी नहीं है लीला। मैं ये घर छोड़कर ही चला जाता हूँ। अरे जरा चुप रहिया। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। तू जाकर उसकी कुंडली लेकर आ। अरे कमर में मोच आ गई लगता है। जल्दी से पाप लेकर आओ, पैर में भी बहुत दर्द हो रहा है। पैसे और बैग को लेकर मीडिया वाले भी टॉर्चर कर रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ भाई, मैं सभापति बोल रहा हूँ। कौन सभापति? भाई गणपति मास्टर जी का बेटा सभापति बोल रहा हूँ। उस दिन भी आपकी मीटिंग में छीका, आपने मुझे क्वार्टर दी थी ना। ए, क्या बोलना चाहता है, जल्दी बोल। भाई आपका बैग मेरे पास है। क्या बोला, बैग? कौन सा बैग? जो न्यूज में बोल रहे ना, वही बैग। लाल रंग का है क्या? हाँ भाई, लाल कलर का। ऐसा है क्या? उस बैग के लॉक के पास एक स्टिकर जैसा चिपका होगा, है क्या? जरा देखो। हाँ है ना। उसकी एक फोटो खींच कर मुझे व्हाट्सएप करेगा क्या? ओके भैया। भाई। हाँ भैया। आपका नाम सभापति है ना? हाँ भैया। तुम्हारे एरिया के पास में? आपके घर से चार घर के बाद की दूरी पर लेफ्ट साइड में है भैया। वो अपने वार्ड का लड़का है ना? वो अपने पहचान वाला है। हाँ भाई। भाई वो बैग सावधानी से लेकर आ जाओगे? घर पर आ जाऊँ क्या? हाँ हाँ। नहीं नहीं, घर पे 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 नहीं। तुम एक काम करो, सुल्तानपुर हाईवे के पास वो जो पेट्रोल पंप है ना, वहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, वहाँ पर आ जाओ। मैं वहीं पर पेट्रोल डलवाता हूँ भाई। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन आते समय तुम अकेले ही आना। ठीक है भाई। ओके। बोलो, इस कुंडली की वजह से किसे तकलीफ हो रही है? बोलो। सभापति, वो कुछ दिनों। तुम चुप रहो, आप बोलिए। सभापति को कुछ दिनों से पता नहीं क्या हो गया है, अजीब अजीब हरकतें कर रहा है स्वामी जी। शिष्य। गुरुजी। हेलो। हाँ बस बहुत हो गया, आने वाली नवरात्रि में अपने बेटे को संभाल के रखना, तुम्हारा बेटा सभापति बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाला है। और ये सच है, सच है, सच है। सभापति कौन है ये? अरे वाह, पेन ड्राइव इसी में है, बच गए। बैग में पैसे थे क्या? इतने सारे पैसे? देखो सभापति, देखो। ये किसका पैसा है पता है? नहीं। ये पैसे किसके पास पहुंचने हैं पता है? ये पैसे जनता की अमानत है, उसके पास पहुंचेंगे। मतलब इससे जनता की ही भलाई होनी है, तो ये जनता के पास पहुंचने वाली अमानत है। तुमने बिना लालच के मुझे दे दिया, तुम बहुत महान हो, कोई साधारण इंसान नहीं हो तुम। तुम भी किसी अमानत से कम नहीं। तुम्हारी इस ईमानदारी के रिपब्लिक डे के दिन मुख्यमंत्री के हाथों मेडल दिलवाऊंगा। जनता का सेवक होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है। ये बात हमारे बीच में ही रहेगी। जनता के लिए अच्छा काम नहीं करने देते, अच्छा काम करने जाओ तो लोग टांगे अड़ाते हैं सभापति।
वो तो ठीक है सभापति, ये बैग मेरा है ये बात तुम्हें कैसे पता? टीवी पर अनजान व्यक्ति बोल रहे थे ना, वो अनजान इंसान सेल्वम भाई आपके छोटे भाई, ये पता था। अच्छा ये बात किसी को तुम बताओगे तो नहीं ना? इस बैग को तुमने मुझे ला करके दिया, ये बात किसी को नहीं बताओगे? लेकिन मुख्यमंत्री के हाथ से जब मैं अवार्ड लूंगा तब माइक पर सबको बताऊंगा। बताना जरूर बताना। ठीक है सभापति, उसके पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। ले लो सभापति, ले लो। नहीं मुझे नहीं चाहिए भाई। ये सम्मान तुम्हें सरकार दे रही है यही समझ लो, जितने पैसे चाहिए ले लो। भैया बचपन में मैंने पिताजी के 5,000 रुपए घुमा दिए थे, वो मैं ले लूं क्या? सिर्फ 5,000? 5,00,000 ले लो, ले लो। 10,00,000 ले लो, 15,00,000 ले लो, 20,00,000 ले लो, ले लो। क्या हुआ? कितना ले रहे हो? 10,00,000 रुपए। ले लो ले लो ले लो ले लो, सब अपना ही मान कर चलो। ले लो ले लो ले लो। ना कुछ नहीं, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। अरे भैया क्या हुआ? भैया क्या हुआ भैया? उठो भैया, पैसे घर पे मैं पहुंचा दूं क्या? किसके पास पहुंचाने? सेल्वम, सेल्वम के पास पहुंचाने? नहीं क्या क्या कह रहे हो भाई? अरे भाई बेहोश क्यों हो गए? मेरी तरह क्यों बात कर रहे हो भाई? वो पेन ड्राइव मैं सुन रहा हूँ आप। हेलो एम्बुलेंस पेन ड्राइव। भाई के ठीक होने के बाद इस बैग को मैं लौटा दूंगा, मुख्यमंत्री के हाथ से अवार्ड दूंगा, फिर सावित्री से शादी करूंगा। ये नहीं होगा बेटा, शिष्य। गुरुजी। तेरे बेटे का सर फूटने वाला है, ये सच है, सच है, सच है। अपने शर्ट फाड़ के हर गली में घूमेगा वो, ये सच है, सच है, सच है। सभापति की किस्मत बदलनी पड़ेगी, और अगर तुम्हें अपने बेटे को वश में करना है, शिष्य। रुक जाओ। गुरुजी। तो इस तांत्रिक मंत्र से बंधे हुए काजल के डब्बे में 3,000 रुपए डालो, ठीक है? समझ गए? ये सच है, सच है, सच है। इस काटेरी काजल को नवरात्रि के पहले दिन से लेकर सुबह से लेकर शाम के बीच कभी भी बिना पता चले उसके सर के पीछे अपनी उंगली में लेके उसे लगा देना है, शिष्य। ये सच है, सच है, सच है, सच है। एक बात ध्यान से सुन लो, तुम्हारे बेटे का भविष्य इस काजल के डब्बे में ही है। सुनिए जी, मैं पर्स भूल कर आई हूँ, अभी लेकर आती हूँ। तुम्हारा बेटा अपनी शर्ट फाड़ के हर गली में घूमेगा। सुनी जी, वहाँ क्या देख रहे हैं? चलिए चलते हैं। लीलावती। हाँ? तुम्हारा बेटा फटी शर्ट पहनकर रोड पर जा रहा है। छी, किसी को भी देखकर क्या अनाज शराब बकते हैं? नहीं नहीं, मैंने उसे अभी देखा है, स्कूटर पर जा रहा था वो। क्या कह रहे हैं आप, वो कैसे शर्ट फाड़ेगा? वो कैसे शर्ट फाड़ेगा अभी बताता हूँ। हाँ? ऐसे ऐसे फाड़ेगा, ऐसे ऐसे फाड़ लेगा वो। भैया भैया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर, भैया को क्या हुआ है? डॉक्टर, सिर और गर्दन के बीच MRI स्कैन किया गया है, वो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकता है कि क्या हुआ है। डॉक्टर, इन्हें किसने एडमिट किया कुछ पता है क्या? पब्लिक में से कोई लेके आया था, उन्होंने ही एडमिट किया। आज के बाद मैं लखपति हूँ, इन 10,00,000 का मैं क्या करूँ? मंचू, मैं तेरे लिए एक स्कूटी लाकर दूँ क्या? जा रे। जब भी देखो बच्चे लोग चौ चौ करके चिल्लाते रहते हैं, मैं तुझे लाकर देता हूँ। माँ, आपको एक डायमंड नेकलेस लाकर दूँ?
पहनोगी तो टीवी की हीरोइन की तरह दिखोगी। मैं लाके देता हूँ पापा। दिन में ही सो जा रहे हैं, इस घर में पनौती आएगी। इस घर को इसे मेरे पिता ने बनाया है। माँ पापा की उम्र क्या हुई होगी? 60 साल होगी। क्यों ना मैं आपकी एक ओपन हार्ट सर्जरी करवा दूँ? क्या कर रहा है, क्या बकवास कर रहा है? अच्छे है ना तेरे पापा? जब है तभी कर देना चाहिए। आपकी एक ओपन हार्ट सर्जरी करवा देता हूँ। पेशेंट का अच्छे से ख्याल रखना। ये सब क्या है? पप्पी दिया, पेशाब किया, वोमिट किया, अब ऑपरेशन कराएगा। स्कैन रिपोर्ट के हिसाब से इनके सिर पर एक गंभीर चोट लगने की वजह से, ब्रेन हैमरेज होने की वजह से इनको स्ट्रोक आया है। मतलब ये जो बोलना चाहते हैं बोल नहीं पाएंगे। कभी कभी इनको याद आएगा। अभी ट्रीटमेंट शुरू किया है। फ्यू डेज मेडिकेशन लेने के बाद रेस्ट करेंगे तो कंप्लीट तौर पर नॉर्मल हो पाएंगे। अब आज क्या तमाशा होगा पता नहीं। सुनिए। हाँ। गैस खत्म हो गया है। राजमोहन के घर फोन करके पूछिए कि उनके यहाँ सिलेंडर है क्या। ए राजमोहन। क्या भाई, सभापति के इंटरव्यू का मैटर है ना, सबको मैंने बोल कर रखा है, वो जाएगा तो नौकरी मिल जाएगी। वो सब तो ठीक है यार, अब घर में अचानक गैस का सिलेंडर खत्म हो गया, तेरे पास सिलेंडर है तो देना। ए भाई सुन, पहले से ही एक सिलेंडर का पैसा बाकी है। इस बात को मेरी बीबी भूल चुकी है, उसे याद दिलाकर मुझे वापस से मार मत खिलवा। अरे भाई अर्जेंट है, दे देना। 2000 रुपए है तो आ जा, वरना जाने दे। मार खाने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, क्रीम मूली का सांभर रखना है। और 4 दिन चलेगा ऐसा सोच रही थी, अब खत्म हो गया तो हो गया। लीलावती, राजमोहन सिलेंडर के 2000 मांग रहा है, चलो दो। मेरे पास कहाँ है जी? मंजू तुम्हारे पास है? है तो हाँ बोल, नहीं तो ना बोल, हूँ हूँ का क्या मतलब? मैं खुद जाकर एटीएम से लाता हूँ। सिलेंडर के पैसे चाहिए। मैं जिस घर में रहता हूँ वहाँ 2000 रुपए भी नहीं है। मंजो, तुम्हें स्कूटी और तुम्हें हीरे का नेकलेस और आपकी ओपन सर्जरी, ये सब मैं करने वाला हूँ, तो मेरे पास 2000 रुपए नहीं होंगे क्या? लगता है मुझे इसके साथ जाना ही होगा। बैठे क्या हो? चलो। क्यों सभापति, इंटरव्यू तो अटेंड कर रहा है ना तू? हेलो राजमोहन अंकल, कैसे हो? अच्छा हूँ बेटा। चल सिलेंडर दे दे। ए गणपति, मैं वापस तुझे बोल रहा हूँ, वो जो इंटरव्यू के लिए बोला था ना वो जरूर अटेंड करवाना। देख मेरे जान पहचान की कंपनी है, मेरे लिए मैं सिफारिश कर रहा हूँ, ये जाएगा तो तुरंत नौकरी मिल जाएगी। ये बाकी सारे इंटरव्यू तो अटेंड कर ही रहा है ना, तो ये भी कर लेगा। हाँ हाँ वो सब अटेंड कर रहा है। ठीक है, 2000 रुपए लेकर के तो आया है। मेरे बेटे के पास है। सुनो। हाँ अभी आया। बुलाया क्या आपने? पहले वाले सिलेंडर के अब तक 1000 रुपए बाकी हैं और अब वो खाली सिलेंडर यहाँ रख कर भरा हुआ सिलेंडर लेकर जा रहा है और तुम वहाँ कुछ नहीं कर रहे थे। चल जा 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 और जाकर भरा सिलेंडर लेकर आओ। 10 लाख में 2000 रुपए खर्च करेंगे तो बाकी 998000 रुपए बचेंगे। अरे फुल सिलेंडर लेने आया ना तू, वो मुझे डांट रही है, पैसे दोगे तभी वो सिलेंडर देगी। पुलिस के तहकीकात के मुताबिक कार में मिले हुए बैग में 2000 रुपए के नोटों के बंडल हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये करोड़ों रुपए हैं। आधे जले हुए नोटों को निकाल लिया गया है
इस घटना में एक और नया खुलासा हुआ है। कार में 5 बैग नहीं बल्कि कुल मिलाकर 6 बैग थे, एक सीट के नीचे छुपाया गया था। एक और नया खुलासा हुआ है जिसके बारे में आपको जानकारी देंगे हमारे संवाददाता शेखर। तो चलिए उनसे चलकर पूछते हैं। नमस्ते शेखर जी, बताइए वहाँ से और क्या जानकारी मिल पाई है। 2000 रुपए देकर के सिलेंडर लेकर के जाना, मजाक मस्ती तुम लोग कर रहे हो और मार मुझे खानी पड़ रही है। लो भाई, फुल सिलेंडर लेकर के आ गया। मैंने कहा जब पैसे दोगे तभी मिलेगा। ये फुल सिलेंडर है? हाँ, वापस से खाली सिलेंडर लेकर आया है। मुझे इतना बेवकूफ समझता है क्या तू? इतना बड़ा काम कर हो गया, एक काम नहीं करता। बहुत हुआ, चल जा, जाकर फुल सिलेंडर लेकर आ। तेरी तो जाती नहीं। जिस वक्त घटना हुई, एक पेटी कार से बाहर गिर गई और ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पुलिस डिपार्टमेंट उस एक बैग को ढूंढ रही है। तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? उसके बारे में तो जानते हो ना तुम लोग। उसी के आसपास के लोगों के पास वो एक पेटी होनी चाहिए। अगर उस पेटी पे से एक एक नोट खर्च करेंगे तो उसमें होने वाले सीरियल नंबर से उस व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ा जा सकता है। ये बात हमारे कमिश्नर साहब ने हमें बताई है। उन्होंने कहा है कि उस पैसे को खर्च करना हमारे देश के लिए गलत साबित होगा और कानून उसे सख्त से सख्त सजा भी देगी। आप बने रहिए हमारे इस चैनल पर। कैमरामैन प्रभु के साथ मैं न्यूज रिपोर्टर अनिल, देखते रहिए। सभापति, इसे अब पैसे दे दो। मैं दूंगा? नहीं दूंगा। क्यों? ये ऐसा क्यों बोल रहा है? क्यों रे, क्या हुआ? चप्पल से मारूं क्या? मैं मांगता हूँ पैसा देना यार। पैसे तो है मेरे पास। हाँ है, पैसा है, है। लेकिन अभी मुझे नहीं देने हैं। तुझे हम लोग जोकर दिख रहे हैं क्या? इज्जत से पैसे निकाल, 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 जल्दी निकाल, जल्दी निकाल। पैसे नहीं है। इसी पॉकेट में मैंने देखा था। नहीं है। इस पॉकेट में देख, इस पॉकेट में। पॉकेट में भी नहीं है, देख लो। उसमें देख, उसमें। निकल, निकल, निकल। अरे इसमें देख, इसमें। क्या कर रहा है? तू खोल, तू लुंगी खोल। खोल, मेरे पास नहीं है। नहीं है, नहीं है। कहाँ गया, कहाँ गया? ठीक से देख, ठीक से देख। ये देखो, नहीं है। अरे अरे, पलट क्या कर रही है? देखो, देखो, देखो। अरे एक बार देख, तू देख, जल्दी देख। अरे देख, तू देख। क्या देख? तूने देखा था? पैंट खोल। अरे देख, 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 ठीक से देख। नहीं है, इधर बोल रहा हूँ ना। कहाँ चला गया? तुम देखो ना, किसे खा रखा है? नहीं है। रुक, तो पैंट उतार, पैंट उतार, पैंट उतार, पैंट, पैंट, पैंट उतार, पैंट उतार, जल्दी उतार। चड्डी। अरे ये क्या पागलपन चल रहा है? घर के अंदर ये चड्डी उतारने की बात कर रहे हैं और तुम यहाँ चुपचाप खड़े हो? उसने पैसे कहाँ रखा वो देख रहे हैं। अरे उतार, उतार, तुम यही खड़ी रहोगे? उतारने की जरूरत नहीं है बाबा, जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इनको बोलो। अरे कैसा इंसान है तू, बेटे को नंगा करने पर तुला है और तुम तो चलो। अरे सुनो, मैं तो पैसे की बात कर रहा था। अरे जल्दी के चक्कर में उड़ के थोड़े आ सकता हूँ। अष्टभाग में शनि होगा तो आकाश में उड़ोगे, बोला था ना। वक्रम में शुक्र रहेगा तो घास में गिरोगे, गिरे कि नहीं गिरे तो बोलो। अरे अरे क्या हुआ? अरे किस पापा, ये क्या है? अरे इसको क्या हो गया बेटी? राजा ने जो बोला था, मुख्यमंत्री के हाथों से जो अवार्ड लेना है, सब कुछ झूठ है। यह पैसा मुझे अपने पास नहीं रखना चाहिए, इसलिए जाकर पुलिस के पास दे देता हूँ। पुलिस हमें पकड़ लेगी तो आखिर मैं ये पैसा दूं किसको? कमिश्नर साहब ने कहा है अगर उस पैसे को खर्च किया गया तो वो हमारे देश के लिए गलत साबित होगा, कानून उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा देगा।
पैसों से भरा एक लाल रंग का बैग मिस है। हाँ हाँ हाँ, सुनने में आया एक बैग मिसिंग है। आखिर ये बैग किसके पास होगा, कहाँ होगा, कुछ पता है? कह रहे हैं कि एक बैग और मिसिंग है। ए, कब से फोन कर रही हूँ, फोन उठाने नहीं होता क्या? क्या हुआ? पुलिस आई थी, मम्मी पापा को साथ लेकर गई। किस लिए? किसी बैग की बात कर रही थी। जाओ जाकर देखो ना क्या हो रहा है। बता जल्दी बैग का। नहीं, माफ कर दो सर, माफ कर दो। जान से मार दूंगा। चल जाए यहाँ से। बैग बैग करके ऊपर से इतना टॉर्चर है कि क्या बताऊं। ए, ये किसका बैग है? गणपति मास्टर जी, कौन है ये? अब मैं हूँ सर। इस बैग को तुम पुलिस स्टेशन के सामने क्यों रखेंगे? सर, ये तो मेरे वो जो बैग खोया है वो यही बैग है क्या? नहीं सर, इसके अंदर पैसे हैं क्या? दोस्त ने इसे मुझे दिया। तेरी तो चल। अब मेरे इसे खोल के देखो। क्यों मास्टर जी, फिर से आपके बेटे के साथ झगड़ा हुआ? वो मैंने जानते हो क्या? हाँ सर, ये हमारी गली में रहते हैं, रात भर ये लोग सोने नहीं देते, बेटा और बाप मिलकर बहुत लफड़ा करते हैं सर। और इतना ही नहीं सर, इसके बेटे ने खुद बाप को लिप टू लिप दिया है। क्या, लिप टू लिप? हाँ सर, आप इतनी सी बात पर चौंक गए, इसके मुंह पर पेशाब तक किया उसने। मुंह पे पेशाब, कैसा बेटा है। ए सर, जा चल जाए यहाँ से। ओके सर। सर वो लड़का बहुत अच्छा है, अभी कुछ दिनों से उसकी कुंडली थोड़ी खराब चल रही है, हम स्वामी जी के यहाँ जाकर उसके लिए काजल भी लेकर आए हैं। बैठ जाइए। ठीक है। क्या नाम बताया लड़के का? सभापति। नक्षत्र? चित्रा। अष्ट चित्रा मतलब बर्बादी का दूसरा नाम। सत्यानाश, शुक्र और शनि एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? सब बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म। उल्टी सीधी बातें करता है ना? हाँ करता है। अरे करेगा ही। वो इधर उधर घूमता रहता है ना, घूमेगा ही, उसकी कुंडली बता रही है। राहु की दिशा में केतु का दिमाग चल रहा है। राहु पहले बिगाड़ता है, फिर वो आसमान फाड़ कर देगा, आप लोग संभाल नहीं पाएंगे। मैं भी ऐसे ही बना हूँ। शिवा जमीन को देख रहा है। माँ, पापा। सभापति। हाँ। इधर आओ, आ जाओ। पूरे शहर में इस बैग को ढूंढा जा रहा था, तूने इस बैग को पुलिस स्टेशन के सामने लाके रख दिया। तू अपने पिता को फंसाना चाहता है ना? सही बोल रहा हूँ ना? नहीं सर, नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा तेरी कुंडली कह रही है। सर ये बैग लकी लकी तेरा लक और किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है, तेरी जबान पर शनि है, अगर तू कुछ ज्यादा बोलेगा तो प्रॉब्लम में फंस जाएगा। छह छह पुण्य स्थल का नाम लिख कर देता हूँ, वहाँ दर्शन करो और फिर मुझसे मिलना। ऐसे दू सर, एक काम कर, इस बैग को और इसको ले जाके इसके घर छोड़ के आ। ठीक है सर, ड्राइवर गाड़ी निकालो। हेलो, उस बैग वाले केस का क्या हुआ है साईं? सर नहीं हो पाएगा। नहीं सर, और को दो क्या ड्यूटी? दो दिन में हो जाएगा सर। क्या, कैसे दो दिन में हो जाएगा? क्या एक्शन ले रहे हो? सर उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम रेडी कर रहा हूँ। सर ये बैग, हाँ सर, इस घर में कुछ मैटर है। कुकू कुकू, इस मैटर को मैं जानूंगा तो मुझे मिलेगा क्वार्टर, अभी आता हूँ। कुकू कुकू। आज नवरात्रि का पहला दिन है, सभापति के माथे पर काला टीका लगाना है।
सभापति बेटा ये लो बेटा। आज 18 तारीख है, कैनवस का लास्ट डेट, कैंडिडेटों को वोट के लिए पैसा देने से रोको। ठीक है सर। इज दैट क्लियर? हाँ ओके सर। ऑलरेडी इस एरिया में पैसों के बैग का मिसिंग केस है और यहाँ भी एक बैग का केस चल रहा है, इसलिए खबर मिलते मुझे इन्फॉर्म करो। सर सभापति एक बैग लेकर के पुलिस स्टेशन तक आया था सर। खोल कर देखा क्या? नहीं सर, एसआई सर ने बिना देखे ही वापस कर दिया। अरे तुम लोग का दिमाग खराब हो गया है क्या? जानते हो ना ऊपर से कितना प्रेशर पड़ रहा है। कहाँ है वो एसआई? अभी तक ड्यूटी पर नहीं आए सर। लेट्स मूव टू द लोकेशन। ओके सर, चलो चलो सब चलो। भैया जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए बोला है। वो बैग और पेन ड्राइव मास्टर जी के बेटे के पास है। रे गाड़ी निकाल। भाई आप इधर ही रहिए, मैं गाड़ी निकाल। भैया संभल के। भैया बहुत दर्द हो रहा है। अरे बाप, अबे मुंह क्या देख रहा है, गाड़ी निकाल। हे इलेक्शन कमीशन, बैग 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 बैग, निकल निकल निकल, जल्दी जल्दी जल्दी। कैसे भी इस इंटरव्यू में तुझे पास होना होगा, समझ गया? ये अच्छे से करेगा। ऑल द बेस्ट भैया। नमस्ते सर, आप लोग कौन है और क्या चाहिए? इलेक्शन कमीशन ऑफिसर, आपके घर को सर्च करना है, प्लीज कोऑपरेट। आप यहाँ रुकिए। चेक दिस रूम। चलो जाओ वहाँ देखो। कबर्ड्स, आप लोग इस तरफ देखिए। डोर, मिरर्स, पूजा का रूम, एक भी कोना घर का नहीं बचना चाहिए। सब कुछ सर्च करो। फास्ट, मूव मूव, जल्दी, नाउ, एवरी बॉक्स, एवरी वॉलेट। चलो वहाँ पर जाकर देखो, जल्दी करो, जल्दी करो, उसे चेक करो, उसे चेक करो, जल्दी करो। छूटने ना पाए। सूरज के रूम को तुम चेक करो। कम ऑन, चेक चेक चेक। सभी जगह पे चेक करके देखो, पैसा कहाँ लिए देखो। कोई जगह चाहिए? क्या हो रहा है माँ? सब चेक करो। ए भाई, जा देख क्या कि अंदर चल क्या रहा है। सब खत्म हो जाएगा। वो रूम चेक किया ना? और ऑफिसर, जी सर, रूम ओपन कीजिए। ओपन द बॉक्स। यस सर। वहां पर उस टेबल के नीचे भी देखिए। कुछ नहीं मिला सर। ये एक्सीडेंट हुआ जोन है ना, 300 किलोमीटर के रेडियंस पे सब जगह चेक करो, समझे? ओके सर। डेफिनेटली इस एरिया में रहने वाले किसी इंसान के पास तो वो बैग होगा। सर, किसी तरह की लापरवाही नहीं। लेट्स मूव नाउ। सर बैग मिला क्या? ना बैग मिला ना पैसा। चलो भाई, हमें बैग नहीं मिला भाई। ये बैग उसके पास ही है। भैया भैया भैया, आप बैग उसके पास ही है, हम उसे ढूंढ। अरे मुझे अच्छी तरह पता है। ए अगर बैग अंदर नहीं है ना, तो उसने जरूर उसे कहीं छुपा के रखा होगा। उसे ढूंढना पड़ेगा, तू उसे फॉलो करेगा। अगर वो बैग कहीं दिखे तो मुझे तुरंत फोन करना। चल निकल निकल। सभापति की लाश उसके घर जानी चाहिए और वो बैग मेरे घर आना चाहिए। ए लीलावती, ए मैं यही हूं। कहां हो तुम? बोलिए क्या है ये बदनसीबी, घर तक आ गई, पुलिस वगैरह अनजान आदमी के घर पर आकर जा रही है। राजा मोहन ने बताया आज उसका इंटरव्यू है, वो जाने वाला है या नहीं? ए ए सुनो, ए रुक जा, इंटरव्यू छोड़कर तू क्या ढूंढ रहा है? ए कब से मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, तू जवाब ही नहीं दे रहा। अरे तू इंटरव्यू के लिए क्यों नहीं जा रहा है? क्या कर रहा है यहाँ? इंटरव्यू में जाने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन वो तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। मैं फांसी लगा लूंगा। पागलों की तरह कुछ भी हरकतें करते रहते हैं। पापा क्या क्या? चुप रह तू। पागल किसे बोल रही हो? चमड़ी उधेड़ दूंगा। उसे इंटरव्यू में जाने के लिए बोल बोलकर मैंने पूरी जिंदगी अपनी बर्बाद कर ली। मैं पागल हूँ क्या? अभी आपने माँ को क्यों मारा? मेरे ऊपर गुस्सा हो तो मुझ पे दिखाओ ना। तेरी वजह से हो रहा है, तेरी वजह से। मुझे रिटायर्ड होकर 4 हफ्ते भी नहीं हुए, मेरे पास काम नहीं है, तुम लोगों का क्या होगा यही सोचते रहता हूँ, लेकिन इस बात की तुझे कोई चिंता ही नहीं है। जैसा तू बोल रहा था, अगर हार्ट अटैक से मैं मर गया तो बेचारी तेरी माँ बहन क्या करेगी, बता। सुन, मैं बदलने वाला नहीं हूँ। ये देख, आज 11:30 बजे इंटरव्यू है और तुझे जाना ही होगा, और तू जाएगा। वहाँ वो लोग क्या पूछेंगे और तू क्या जवाब देगा, वो सब मुझे अपने कानों से सुनना है। मैं तुझे फोन करूंगा और तू उठाएगा, और अगर नहीं उठाया ना। भैया भैया पहले जाइए प्लीज। माँ रो मत माँ। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम जाओ। मैं तुझे फोन करूंगा और तू उठाएगा। अरे कहाँ फंस गया, यहाँ पे तो सिग्नल भी नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं? हाँ?
क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहा है? सब देख रहे हैं ना? हाय सभापति। हाय, मैंने क्यों बुलाया यही सोच रहे हो ना? वो आज हम लोग घर खाली कर रहे हैं ना, तो मैं तुमसे ये कहना हाँ, कैसे कहूँ समझ नहीं आ रहा। उस दिन स्कूल ड्रामा में जब तुम मास्क पहनकर खड़े थे और मैंने वो डायलॉग बोला था, तो दरअसल वो सिर्फ डायलॉग नहीं था, वो मेरे मन की बात थी। एक्चुअली आई सावी 11 बज गया। अब बोलिए पापा। कहाँ हो तुम? मैं जा रहा हूँ। कब से जा रहे हो तुम? टाइम हो रहा है, जल्दी जाओ। जा रहा हूँ पापा। ए, मुझे तेरे ऊपर डाउट है। माले पर रहने वाला इंसान हमेशा तुझे देखकर मुस्कुराता रहता है। तू ही उसे बुलाती होगी। तूने जरूर उसे बुलाया होगा। बोल, जवाब दे। बोलती क्यों नहीं है? बेवजह क्यों मुझ पर शक कर रहे हैं? हाँ, मैं शक करूंगा। अंकल जी, जरा ये बैग उठाइए। तुम मेरे साथ चलो। हाँ ठीक है, आप हमारे पीछे आइए। आप पब्लिक प्लेस में ऐसी बातें क्यों करते हैं? हाँ बढ़िया है पब्लिक वाली। तुम्हें लाकर मैं जितना तकलीफ उठा रहा हूँ ना, मैं जानता हूँ। आज मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ कर ही आऊंगा। पर किस लिए? इसलिए सवाल मत पूछा करो। मैं तुम्हारी माँ के घर पर छोड़ दूंगा ताकि तुम्हें वहाँ जमीन के अलावा और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। लगता है प्लान करके बुलाया इसने। कौन हो सकता है ये? कौन है ये? कौन है ये बताओ? कौन है वो बताओ मुझे? कौन है ये? उसको बुलाया ना तुमने? देखो उधर देखो, कुछ तो है। तुमने प्लान कर लिया है। तुम मुझे मारने वाली हो। मुझे मार कर उसके साथ जाओगी। वो तुझे ही देख रहा है, तुम्हें देख रहा है। कवर करो, कवर करो। मैंने ला कर दिया, पूरा कवर करो। कौन है तू? तुझे क्या चाहिए? अरे वो मेरी बीवी है। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो? क्या दिख रहा है उसका? अरे सुनो सुनो सुनो, ए तू पीछा, इधर आ इधर आ। अरे यार, इसे हर बार बाहर लेकर जाने में मेरी जान निकल जाती है। ये मेरी है, ये मेरी है। ए ये मेरी है, ए मेरी है, ए मेरी है, मेरे खाना। ए रोक, ए काम आ रहा है। ए ए कौन है तू? सुल्तान भाई जैसा का? ए छोर, ए हट। अरे बाप रे, चोरी करके कहाँ जा रहे? ए रुक रुक, अरे कहाँ जा रहे हो? रुको रुको, अरे मुझे भी आने दो, दोनों बैग चेक कर लिए। मेरे बैग का तो बैंड बज गया, इसमें तो कपड़े हैं। ये अरे क्या, ये तूने पहचाना नहीं? तेरा कपड़ा ये पहन के खड़ा है? ऐसा तो मैंने तुझे कभी खरीद कर नहीं दिया। किसने दिया तुझे ये? तूने खरीदा है? कसम खा के बता, किसने दिया ये? किसने ला कर दिया है? सच बता दे, वरना मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। मैं सन्यास लेने वाला हूँ, किसी के साथ भी खुश नहीं रहूंगा। मैं जा रहा हूँ। सन्यास से नहीं बात कर रहे? इसके ऊपर तेरी नजर है। मैं जा रहा हूँ। उन दोनों का चक्कर चल रहा है, इसे मारने के बाद इसे छू रही है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो रहा बैग। पूरी तरह से सरदर्द बन गया है। पता नहीं कैसे फंस गया ये। जल्दी मिल जाए तो अच्छा है। अरे खींच तो रहा हूँ मैं। जा रहे हैं सारे, निकल ही रहा है। भगवान, मिल गया मिल गया मिल गया, मुझे मेरा बैग मिल गया। एकदम सही है। अरे ये वही बैग है। हट जाओ हट जाओ हट जाओ। अरे हटो हटो भाई, हट जाओ। ए रुक जा, ए तब भाग कर। ए
WD रोड पे जल्दी आ। अरे भाई वो ऑटो से जा रहा है। तू ही मेरे रास्ते में आता है। आप भी हमेशा मेरे रास्ते में आते हो। जुबान लड़ाता है। मैं कहाँ है? पूछ रहा हूँ ना, बैग कहाँ है? तो बैग कहाँ है रे? कहाँ है बैग? कहाँ है बैग? पता नहीं, गाड़ी में चला गया। चल बता। अरे गाड़ी में फोन दे, मेरा फोन दो। फोन क्यों ले रहे हो? कौन है फोन? पापा है, फोन नहीं उठाएंगा तो फांसी लगा लेंगे। मरने देना उसे, हट बैग। घर पे बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। तेरा बाप मर जाए या जिंदा रहे, मुझे उससे क्या। चल जा बे। आरके ग्रुप चलोगे सचिवालय के पास क्या? हाँ भैया चलो बैठो। मैं एक सच्चा इंसान हूँ, कल तुम्हारे अखबार और चैनल पे ये बात होनी चाहिए और मुझे चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। सॉरी सर, इट्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। ये मेरा फर्स्ट। मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। चले हुए नोट और खोया हुआ बैग मेरा नहीं है, ये अपोजिशन पार्टी की साजिश है। वो मुझे बदनाम करना चाहती है, वो सफल नहीं होगी। सर, इसमें एक सूटकेस है सर। ले आओ जल्दी उसे। खोलो उसे। ड्राइव मिला सर। पैसे तो दो भाई। क्या हुआ भाई? अरे यार पैसे नहीं है तो क्यों बैठ जाते हो? हद है। वहां पे गिर गया भाई। अरे यार हद है। क्या यार आप भी? भैया पैसे की जगह ये घड़ी रख लो भैया। सॉरी भैया गलत मत समझना। एक मिनट, टाइम क्या हुआ है? क्या हुआ? अरे बाप।
बाप रे। अरे कैसे अगले साल भी इस फर्स्ट पोजीशन को हमें मेंटेन करना है। श्योर सर। सर इंटरव्यू के लिए सभापति नाम का एक लड़का बाहर खड़ा है, उसे जाकर अंदर भेजो। ओके सर। दादी जी भगवान, 5 लाख रुपए थे, कहाँ रख दिए पता नहीं, ऊपर गिरे होंगे शायद। हे भगवान, किसी भी तरह पैसे मिल जाए। अरे दादी जी सुनिए, सब मेरा बुरा नसीब है, थोड़े थोड़े करके जमा किए थे, सारे के सारे पैसे गिर गए। दादी जी ये कहाँ है पता नहीं, गिर गए थे। धन्यवाद बेटा। नाम क्या है बेटा? मिस्टर सभापति। हाँ वो बुला रही है। धन्यवाद बेटा। एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर सभापति आप अंदर जाइए। सभापति। हाँ सर, राजमोहन अंकल ने भेजा था ना। आर यू ओके? सॉरी सर, मुझे से हकला कर बात करने वाले को अच्छी ड्रेस पहन के ना आए तो ये नौकरी मिलना मुश्किल है। इस हालत में मैंने आपका वक्त बर्बाद कर दिया, सॉरी सर। सभापति इस नौकरी के लिए ऑलरेडी कोई अपॉइंट हो चुका है, लेकिन एक और नौकरी है और वो पोस्ट है मेरी आरके चिट फंड कंपनी के लिए, और इस जॉब के लिए होशियार और शातिर दिमाग का आदमी चाहिए, दिल भी उसका सच्चा हो, इंसान भी अच्छा हो, और ये दोनों तुम्हारे अंदर है। यह तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर सभापति, तुम्हें नौकरी मिल चुकी है, तुम्हारे पिता ने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए। आपने मुझमें कुछ अच्छाइयां बताई। तुम अपनी अच्छाइयां पूछ रहे हो ना? वो अच्छाइयां अगर तुम जान जाओगे तो बाकी लोगों की तरह ही हो जाओगे। तुम ही रहो सभापति। एक इंसान अगर बदल जाता है तो वो अपने आप को खो देता है। तुम स्टीफन हॉकिंग को जानते हो ना? शरीर में कोई सेंसेशन ना होने के बावजूद भी उसने पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। अगर अपने पे विश्वास हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तू जीत गया बेटा, तुझे जो मिलना चाहिए वो मिल गया। सभापति, इतने सालों से हम एक ही एरिया में रहते हैं, एक दूसरे को बिना बताए कहीं नहीं जाते, इसलिए हम यहाँ आए हैं। सभापति मैं जा रही हूँ। सावी
तुम मेरे प्रेमी हो, तुम मेरे पति हो, तुम ही मेरा जीवन हो। अरे अरे क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने, छोड़ से, अरे छोड़ छोड़, अरे बेशर्म, अरे अरे छोड़ छोड़ मेरी बेटी को, फेंक इसे, अरे छोड़, अरे मेरी बेटी को छोड़, क्या कर रहा है, अरे बेशर्म कहीं की, तू तो छोड़, छोड़ इसे, शाबाश तेरे बेटे, ऐसे ही गले लगा के रखना, जिंदगी में जो चाहिए उसे ऐसे ही कष्ट भैया के प्यार को छोड़ के एक्सेप्ट कर लिया। अरे तू बीच में कहां आ रहा है, चल जा जा, अरे बेटे ने क्या किया, पता है मुझे यहां ऐसे ही लगा रहा, अभी जाओ तुम यहां से, मेरा बेटा बड़ी जगह पे नौकरी करने जा रहा है, तू नहीं अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करा देती हो, तुम दोनों के बीच में क्यों आ रही हो बताओ, अरे मैं तो मान गया हूं, अब तुम भी मान जाओ, अगले हफ्ते इन दोनों की शादी करूंगा मैं, शादी में आ रही हूं, छोड़ इसे, पैसे तकदीर के रूप में वापस सभापति के घर के अंदर आ गए, ये सोच रहे हो क्या, ये सभापति के परिवार में पहुंचने वाले पैसे ही हैं। आपको याद है सभापति जब पहली बार सावी को देख रहा था तो चोरी हुए पैसे सभापति के परिवार के पैसे ही थे, और उसे चुराने वाला उस समय वो लोकल चोर लकी राजा ही था। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मेरे खेल में हमेशा अच्छे लोग ही जीतते हैं। मैं अपना खेल कंटिन्यू खेलता रहूंगा और मेरे खेल का अगला इंसान होगा।